प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिन लड़के और लड़कियों की शादी में लगातार डिले चल रहा है, लगातार देरी चल रही है, तो इस लगातार देरी चलने का मूल कारण क्या है? आखिर विवाह में इतना विलंब क्यों हो रहा है? इस प्रश्न को लेकर के मेरे पास अक्सर कमेंट आते रहते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं और पर्सनली रूप से भी बहुत सारे लोग आकर मुझसे मिलते हैं और यही प्रश्न करते हैं कि शास्त्री जी, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चे शादी के योग्य हैं, सुंदर हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आते, रिश्ते आते हैं, बातें चलती हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं होता है। देखने के लिए आते हैं लेकिन घर से जाने के बाद किसी प्रकार का उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, आप भी शादी को लेकर के काफ़ी परेशान हो गए हो, बहुत सारे उपाय कर करके थक चुके हो और फिर भी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इस कार्यक्रम में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में आज मैं आपको विवाह डिले होने का एक मूल कारण बताऊंगा और उसका उपाय भी बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, विवाह में डिले होने का एक मूल कारण होता है हमारे मन की अशांति। जब हमारी उम्र जो शादी की होती है उससे निकल जाती है, मान लीजिए आपकी उम्र 28-30 हो चुकी है लेकिन कहीं बात बन नहीं रही है, तो आप अशांत हो जाते हो शादी को लेकर के। आपके मन में शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार भर जाते हैं, खास करके माता पिता, बच्चों की जब शादी नहीं हो पाती है समय पर तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनका मन अशांत हो जाता है, उनका मन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव विचारों से भर जाता है शादी को लेकर के। तो ये भी कहीं ना कहीं शादी को डिले करवाने का मुख्य कारण बनता है। अब मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 30 क्रॉस कर गई और शादी कहीं हो नहीं रही है, बार बार रिश्ते आते हैं, तो जब बार बार रिश्ते आते हैं, रिप्लाई किसी का आ नहीं रहा है, तो फिर आपके मन में ये हो जाता है कि पता नहीं मेरे बच्चे की शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी, इतने रिश्ते आते हैं लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो ऐसी सोच में जब कोई नया रिश्ता आता है तो उस पर भी आपके दिमाग में जो ये बातें चल रही हैं, जो नेगेटिव विचार आपके मन में भरा हुआ है, आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो उसका असर सामने वाले पर पड़ता है। चाहे आप अपने मुख से कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लें, लेकिन हमारे दिमाग में जो चीज़ चल रही है, जो दिमाग में बात चल रही है, उसका असर सामने वाले पर पड़ता है। क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीज़ें होती हैं, हमारे दिमाग में जो बातें होती हैं, उन्हीं का एक आभा मंडल बन जाता है हमारे शरीर के चारों ओर, और उस आभा मंडल का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। जब हमारे मन में नेगेटिव विचार होते हैं तो जो हमारा आभा मंडल है वो भी नेगेटिव हो जाता है, और उस नेगेटिव आभा मंडल का जो असर है वो सामने वाले के दिमाग पर पड़ता है, और फिर सामने वाले के दिमाग में हमारे प्रति जो छवि है, हमारी जो छवि है वो नेगेटिव बन जाती है, और फिर उसका दिमाग, उसका माइंड कभी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करता है और वो घर से चला जाता है, कोई रिप्लाई नहीं देता है। तो प्रिय दर्शकों, शादी में देरी हो रही है मैं मानता हूँ, मन अशांत हो जाता है, मन में नेगेटिव विचार भर जाते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए मन को शांत रखिए, मन में जो नेगेटिव विचार है उनको निकालिए, मन को पॉजिटिव बनाइए। मन यदि पॉजिटिव होगा तो आपका जो आभा मंडल होगा वो भी पॉजिटिव होगा, और सामने वाले पर उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा और आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मैंने बहुत सारी ऐसी जन्म कुंडलियाँ देखी हैं जिन जन्म कुंडलियों में शादी के योग बहुत देरी में बनते हैं, अर्थात बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ ऐसी हैं जिनकी शादी 35 साल होने के बाद हुई है। तो आप चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे हों या खुद आप हों तो आपकी जन्म कुंडली में भी शादी के योग बनेंगे और आपकी शादी अवश्य होगी, लेकिन आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए।
अब दूसरा जो मूल कारण है उसकी बात करते हैं। पहले लड़के की कुंडली की बात करूंगा, उसके बाद लड़की की कुंडली की बात करूंगा। लड़के की जन्म कुंडली में विवाह का कारक शुक्र ग्रह को माना जाता है। अब शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से यदि पीड़ित हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो भी शादी में लगातार डिले होता है। अब ये किसी भी प्रकार से कमजोर हो सकता है। अब सूर्य के ज़्यादा समीप जाने से शुक्र अस्त हो जाता है तो कमज़ोर हो जाता है, या फिर डिग्री वाइज कमज़ोर हो तो कमज़ोर हो जाता है। अब मान लीजिए शुक्र की डिग्री 1 से 5 है तो फिर वो बाल अवस्था में होता है, यदि 25 से 30 है तो वो मृत अवस्था में होता है। तो शुक्र ग्रह ने शादी करवाने के लिए जो अपना प्रभाव देना होता है वो दे नहीं पाता है, क्योंकि कमज़ोर हो गया है। अब शुक्र को जो कमज़ोर शुक्र है उसको बलवान करना पड़ेगा। अब इस शुक्र को बलवान कैसे किया जा सकता है? तो आप शुक्र ग्रह का जो मंत्र है उसका जाप कीजिए, लगातार जाप कीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम शय शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रोम शय शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप लगातार जाप कीजिए, सुबह शाम जितना आप से बन पाए उतना आप जाप कीजिए, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं लगना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं भी हो आप वहीं जाप करना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब मैं बात करूं लड़की की जन्म कुंडली की। लड़की की जन्म कुंडली में विवाह के कारक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति लड़की की जन्म कुंडली में किसी भी कारण से कमज़ोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, तो फिर शादी में लगातार डिले होता है। अब देवगुरु बृहस्पति भी इसी प्रकार से कमज़ोर हो सकते हैं, सूर्य के अधिक समीप जाने से अस्त हो जाते हैं, या फिर डिग्री वाइज कमज़ोर हो सकते हैं। तो अब हमें देवगुरु बृहस्पति को भी बलवान करना पड़ेगा, क्योंकि कमज़ोर देवगुरु बृहस्पति को जो शादी कराने के लिए प्रभाव देना होता है, जो इफेक्ट डालना होता है जातक पर, वो डाल नहीं पाते हैं, तो इसके लिए उनको भी बलवान करना पड़ेगा। अब बलवान करने के लिए गुरु के मंत्र का जाप कीजिए आप, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शय गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपने लगातार करना है, इसमें कोई खर्चा नहीं लगना, कोई अलग से पैसा नहीं लगना, और कहीं बाहर नहीं जाना, बस जहाँ भी हो वहीं जाप शुरू कर दीजिए, लगातार जाप कीजिए, सुबह शाम जाप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, आपकी शादी में जो डिले चल रहा है वो दूर होगा। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से, सहज तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, उसमें आप टाइप कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप लोगों की मुझसे कुछ शिकायत रहती है कि आप कमेंट बॉक्स में हम कुछ टाइप करते हैं उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ प्रत्येक कमेंट की रिप्लाई देने का, लेकिन समय बहुत कम होता है, कमेंट अधिक आ जाते हैं, तो शायद मैं सभी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक बात है, मैं उन कमेंटों का रिप्लाई अवश्य देता हूँ जो वीडियो से रिलेटेड है। अब मान लीजिए मैंने ये वीडियो बनाई, इस वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, वो चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो उसका कमेंट मैं ज़रूर दूंगा, 100% दूंगा। लेकिन कुछ दर्शक हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ समय, वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देते हैं, तो शायद उसका रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, आप इन स्क्रीन पे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप इन नंबरों पर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल को रिसीव किया जाएगा और आपकी जो जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण किया जाएगा और आपको दिशा दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।